आज मैं WhatsApp के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताना चाहते हैं जो कि आप नहीं यूज किए होंगे और यूज भी किए होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो यूज भी कर लिए होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी यूज किए होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बनाया ये वीडियो जो कि ना यूज किए हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर खोल लेते हैं या फिर कोई से ब्राउजर हो आपके पास वो आप खोल लीजिए। तो ये मेरे पास क्रोम ब्राउजर है और ये हमने पहले किया था इसे, मैं फिर से आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर टाइप करना है आपको GB WhatsApp। देखिए मैंने पहले से ही टाइप कर चुका हूँ, तो सिर्फ सर्च कर रहे हैं। ये खुला और ये जो पहला जो लिंक दिख रहा है आपको GB WhatsApp APK डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन 5.80, इसका वर्जन जो है 5.80 का है। तो ये हम डाउनलोड कर लेंगे और ये देख लीजिए एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो 36.4 MB का है। तो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये 31 जुलाई 2017 को ये लॉन्च हुआ था। और आप ये देखिए नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पर देखा हुआ GB WhatsApp डाउनलोड, ये आपको ग्रीन थीम जैसे बना हुआ है उस पर लिखा हुआ GB WhatsApp डाउनलोड। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे और फाइनली नीचे स्लाइड करके ये दो आपको दिख रहा है डाउनलोड और मिरर लिंक। तो हम लोग डाउनलोड पर क्लिक करके फाइनली डाउनलोड कर लेंगे इसे। तो फिर चलिए हम डाउनलोड तो कर लेंगे। अब पहले से हमने डाउनलोड किया तो अब इसे ओपन करके बताते हैं किस तरह से काम करते हैं और इसके क्या फीचर्स हैं जो कि अदर व्हाट्सएप में नहीं होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कि इस तरह से इसका इंटरफेस है और ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए प्राइवेसी में जाइएगा तो आप हाइड कर सकते हैं ऑनलाइन स्टेटस को, ब्लू टिक को हाइड कर सकते हैं, सेकेंड टिक को हाइड कर सकते हैं, राइटिंग स्टेटस को भी हाइड कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स देखिए। जैसे कि हाइड ऑनलाइन स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाइड हो गया है और ये पुनः अपने से रीस्टार्ट हो जाता है। और यहाँ देखिए GB सेटिंग है, GB सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो ये इसका जो डाउनलोड इसका थीम जो होता है व्हाट्सएप का थीम वो भी चेंज आप कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए हम आपको चेंज करके बताते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है, मेरा नेट कमज़ोर इसकी वजह से ये टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए आप कि बहुत सारे थीम हमारे मोबाइल पे आ चुका है। तो ये मान लीजिए कि हम पहला CLS पोकमोन सिंडेक्यूल वाला हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई देख रहे हैं आप, अप्लाई हम कर दिए, ये 0% हो रहा है। ये पहले डाउनलोडिंग फाइल्स होता है, कुछ ही क्षण में हो जाता है। जी देखिए इसको ओके कर देंगे और ये अप्लाई भी हो चुका है, देखिए खुल गया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत सारा यहाँ पे चेंजिंग कुछ हुआ है, किसी थीम में चेंजिंग हुआ है। और एक ख़ास बात इसका ये भी है कि अगर आप ऑनलाइन कोई है तो ये आपको बगल में लिख देगा कि ऑनलाइन है या नहीं है। तो चलिए इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे ना तो ये हमको दिखा देगा कि कौन कौन ऑनलाइन है कौन कौन ऑनलाइन नहीं है। फ़िलहाल अभी तो नहीं दिख रहा है, देखिए जैसे कि आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है साइट से ऑनलाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई अशोक कुमार है वो 10:19 पे ये मैसेज भेजा है, सिंघम बॉर्डर फोर्स जो है वो 10:14 पे इससे मैसेज आया है, ऐसे तरह के मैसेज भी आते हैं। और साइड में जो ऑनलाइन होते हैं उसके नीचे जस्ट नीचे ऑनलाइन लिख देते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, ये भी तो नहीं आ रहा प्रॉपर। चलिए मैं तब तक दूसरा चीज़ बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या फीचर्स सब हैं। जैसे कि आप स्टार मार्क्स लगाना चाहते हैं, मतलब कोई चीज़ पढ़ना अभी नहीं चाहते बाद में आप उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे पास रेवड़ा नॉलेज पॉइंट से एक मैसेज आया तो मैं इसको अगर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि ये मैसेज आया है सतीश प्रसाद ने भेजा, मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता तो इसको फाइनली इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके स्टार क्लिक कर देंगे। ये स्टार लग चुका है
तो ये इसके मैसेज को हम कैसे पाथ में पढ़ेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ थ्री डॉट्स पे जाएंगे, और उसके बाद स्टार्टेड मैसेज पे जाएंगे। ये देखिए, ये रेडा नॉलेज पॉइंट में सतीश कुमार ने मैसेज भेजा और ये मैसेज है, इसको बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं, और इसके बहुत सारे फीचर्स है वो आप खुद ब खुद जान जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई नाम सेव किया, यहाँ पे देखिए जैसे कि सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नाम सेट किया हुआ, जैसे कि मेरा नाम है सत्येंद्र राज, तो ये मेरा सत्येंद्र राज ये ऊपर में ही इंटरफेस पे आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सत्येंद्र @ और राज दिख रहा है। तो इस तरह बहुत सारे इसमें फीचर्स जो अभी आप खुद भी जान सकते हैं इसका यूज करके। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसको यूज़ कीजिए, और फिर हम अगले वीडियो में कुछ और नया चीज़ बनाएंगे।